YouTube वर्सेस TikTok कॉन्ट्रोवर्सी जो लास्ट कुछ दिनों से चल रही थी, लग रहा था कि इसका दी एंड होने वाला है या ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि आमिर सिद्दीकी ने अपने इंस्टा पर सॉरी बोल दिया था। इस पर साथ ही इल्विश यादव ने भी एक वीडियो बनाकर मैटर को क्लोज कर दिया था। बट दोस्तों, इस यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक की इस वर्ल्ड वार में कुछ और किरदार भी हैं। सबके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों अब टिकटॉकर्स की वाट लगने वाली है एंड यूट्यूब में आने वाला है एक जलजला जिसका वार्निंग ट्रेलर ऑलमोस्ट कैरी मिनाटी ने आउट कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आज की खोज चैनल। दोस्तों, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या आपने कैरी मिनाटी उर्फ हमारे अजय नागर का 30 अप्रैल 2020 का ट्वीट देखा जो कि उन्होंने शाम 6 बजे किया था? अगर नहीं तो देख लो। इसमें कैरी मिनाटी ने लिखा, घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे, बहुत सही। और इस ट्वीट को 1500 से ज्यादा बार रीट्वीट किया गया एंड मोर देन 23,000 लाइक्स इस पे मिले। वैसे जो इस पे कमेंट्स थे उन पर यूट्यूब ऑडियंस ने भर भर के अपना प्यार टिकटॉकर्स को दिया था, जो कि साफ साफ दिख रहा था। इसलिए कमेंट्स यहाँ रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी वीडियो में काफी कुछ कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिकटॉकर्स की तरफ से आए कुछ रिप्लाईज की। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए दो गुड न्यूज है जिसे सुन के आप खुश हो जाओगे। चलिए एक गुड न्यूज मैं अभी बता देता हूँ। दोस्तों, फाइनली कैरी मिनाटी उर्फ अजय नागर टिकटॉक पर आ गए हैं, मैं सच कह रहा हूँ। और उन्होंने अपना एक कंटेंट भी डाला है जिसपे उन्होंने लिखा है, प्लीज सपोर्ट, बहुत मेहनत लगी है इस कंटेंट को बनाने में। बाकी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो मैं प्ले कर देता हूँ, प्लीज देख लीजिए। अब बात करते हैं टिकटॉकर हार्दिक शर्मा की, जिनके फिलहाल टिकटॉक पे 4.1 मिलियन फॉलोवर हैं। हार्दिक शर्मा ने अपने वीडियो में कहा कि मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो अपने आप को बड़ा रोस्टर समझते हैं और उन्हें लगता है कि उनके जैसा कोई कर नहीं सकता या उनके जैसा रोस्टर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। हार्दिक शर्मा ने क्वेश्चन किया कि बेटा एक क्वेश्चन करूंगा कि क्या तुम्हें रोस्टिंग का मतलब पता भी है जो हर वीडियो में कंटेंट करते हो, कंटेंट का मतलब भी पता है तुम्हें? वैसे दोस्तों बता दूं, दोस्तों कैरी मिनाटी टिकटॉक के फैजू को ऑलरेडी पहले ही रोस्ट कर चुके हैं, इसलिए बाय रिप्लाइंग कैरी मिनाटी ने टिकटॉक आईडी बना के वहां एक कंटेंट डाला था जो आपने थोड़ी देर पहले देखा और बहुत जल्द एक और कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं एक और मशहूर टिकटॉकर की जो कि टिकटॉक पे जोकर के नाम से मशहूर है। उन्होंने वीडियो में बोला कि जो लोग यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बोल रहे हैं, एक्चुअली ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब नहीं है। साथ ही टिकटॉक जोकर ने बोला, तुम यूट्यूबर नहीं हो बल्कि एक सस्ते वाले रोस्टर हो। यहाँ बात है टिकटॉक कम्युनिटी की, तो मैं यहाँ इसका और सबका पूरा रिप्लाई दूंगा क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी हूँ और रिप्लाई जरूर मिलेगा। साथ ही जोकर ने बोला कि अब तुम लोग अपने फैन पेज पे जाओगे और अपने फैन से बोलोगे कि टिकटॉकर्स की वीडियो पे जाकर जरा अच्छे अच्छे कमेंट करना। उन्होंने बोला, हम इससे डरते नहीं क्योंकि हम यहाँ तक मेहनत से पहुंचे हैं और रिप्लाई मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, जो लग रहा था कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जंग खत्म हो गई, अभी फिलहाल अब ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि अब कैरी मिनाटी ने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है, न्यू वीडियो इज कमिंग सून, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस पोस्ट पे मजेदार कमेंट्स भी मिले। रेड निंजा गेमिंग ने कमेंट करते हुए लिखा, अब तो मजा आएगा टिकटॉक वर्सेस कैरी मिनाटी। वहीं अर्निंग बाय पेटीएम कैश ने लिखा, टिकटॉक वालों तुम्हारा बाप आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या अब ये फाइट कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक के जोकर के बीच होने जा रही है, जिन्होंने साफ बोला कि रिप्लाई मिलेंगे क्योंकि उनका भी यूट्यूब चैनल है? और साथ ही ये भी बताएं कि क्या ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक फाइट लॉकडाउन की तरह आगे 2 हफ्ते और बढ़ने वाली है या खत्म हो जाएगी? प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, वंदे मातरम।